दुर्ग के आईएमए भवन में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सेमिनार व सम्मान समारोह में समाज के उत्कृष्टों का वोरा द्वारा किया गया सम्मान। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए संचालित योजनाओं का सेमिनार किया गया एवं समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का भी सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दुर्ग के विधायक छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा, अध्यक्षता राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान व विशेष अतिथि दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल व मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अल्ताफ अहमद शामिल रहे। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अल्पसंख्यकों को दी जा रही सुविधाओं और उनके लिए संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारियां दी। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा ने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला और सभी से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की बातें कही। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो सेमिनार आयोजित किया गया, उसमें सामान्य वर्ग सभी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सामाजिक परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए जो योजनाएं राज्य शासन ने बनाई, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और सर्वहारा वर्ग तक ये योजनाएं पहुँचे। और जिन्होंने ये कार्य किया, समाज के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सर्व समाज है, सब समाज के लोगों ने इस कार्य को बहुत ही सक्रियता और जागरूकता के साथ किया, उनका सम्मान आज यहाँ पर किया गया है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि वे समाज के लिए मार्गदर्शक हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी कि अगर हम इस तरीके से कार्य करते हैं, योजनाओं का लाभ आम आदमी या सर्वहारा वर्ग तक पहुँचाते हैं, तो हम बहुत से लोगों का हित कर सकते हैं। जब से छत्तीसगढ़ सरकार फिर बघेल की सरकार यहाँ बनी हुई है, उसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है और अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने के पश्चात अल्पसंख्यक आयोग के सभी सदस्यों को उन्होंने यह निर्देशित किया है कि अल्पसंख्यक लोगों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सबल कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर आयोग द्वारा आज उन बच्चों को जिन्होंने 18 दिसंबर को निबंध प्रतियोगिता में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर भाग लिया था और उन्होंने जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था, उनका यहाँ सम्मान किया गया। साथ ही अल्पसंख्यक के अंतर्गत जिन समुदाय के लोग अपने समाज में अच्छा काम करके लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, लोगों की सेवा की है, उन सभी लोगों का आज आयोग की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि सम्मानी वोरा जी के हाथों। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।